Q&A. Such a big question. दोस्तों पहले हमने सोचा था Q&A कर लेते हैं 10,000 पे, नहीं हो पाया. फिर सोचा 15, फिर भी नहीं हो पाया. समझ रहे हो आप. फिर सोचा 20, फिर भी नहीं हो पाया. फाइनली अब हम होने वाले हैं 22,000 की फैमिली एंड वी आर ब्रिंगिंग दिस Q&A टू यू ऑल. और क्योंकि मतलब मेरा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे थे, उसके बाद हमने ना फाइनली एक अच्छा काम करा, हमने कम्युनिटी पोस्ट डाल दी और कम्युनिटी पोस्ट में काफी क्वेश्चंस आए थे और इसमें ना हमें एक ही टाइप के भी है ना काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, तो हम एक बार है ना उनका आंसर करेंगे. लेकिन है ना हो सकता है हम दूसरे लोगों का नाम ना ले पाए कि है ना जिनने सेम क्वेश्चन पुट ऑन करे थे, तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछना कि ये क्वेश्चन आपका था, कमेंट में बताना हमें कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिला या नहीं मिला फाइनली. और अगर उसके बाद भी अगर किसी के कोई क्वेश्चन रह जाता है ना दोस्तों, वी आर वेरी सॉरी, बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना तब आपके क्वेश्चन को जरूर कंसीडर करेंगे. आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर. तो जो पहला क्वेश्चन है वो हेलो इंडिया का है और उनका कहना है कि आप लोग हो कहाँ से. तो भाई हम लोग हैं नोएडा से, उत्तर प्रदेश, इंडिया, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान. तो दोस्तों हेलो इंडिया का सेकंड क्वेश्चन है, आप तीनों मैरिड है या सिंगल है? इन दोनों का तो मुझे पता नहीं, मैं सिंगल हूँ. यार अभी तो सिंगल है और मैरिड का तो कोई प्लान नहीं है, अभी सिंगल ही रहना चाहते हैं. जब भी प्लान बनेगा आप लोगों को जरूर बताएंगे. बट आप लोग गेस करो हम तीनों में से बलि का बकरा पहले कौन बनेगा और आप किसे देखना चाहेंगे बलि का बकरा मिलते हुए? क्या पता सब साथ में ही करते हैं. ऑफ कोर्स जिसके मन में सबसे पहले ये चीज आई है ना वो ही बनना चाहिए. तो हेलो इंडिया का ये तीसरा क्वेश्चन है, आपका काम क्या है यूट्यूब या दूसरा भी? तो दोस्तों यूट्यूब है ना एक्चुअल में हमारा एक साइड इंटरेस्ट है और मेन इंटरेस्ट ये आप लोगों की वजह से है, हम लोगों का आपसे इंटरेक्शन हो पाता है. हमने सबसे पहले जो यूट्यूब पे है ना स्टार्ट करा था वो पब्लिक रिएक्शन करा था, क्योंकि हम वीकेंड में ना टाइम निकाल देते थे और पब्लिक रिएक्शन हमने लेने शुरू करे थे, लोगों के व्यूज लेने शुरू करे थे. बहुत सारी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि आप लोग पब्लिक रिएक्शन करते हो, आप लोग अपना भी रिएक्शन दो, अपने भी व्यूज दो. और फिर एकदम से लॉकडाउन हो गया तो पब्लिक रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाया गाइस, सो हमने डिसाइड किया कि हम अपने रिएक्शन लोगों तक पहुंचाते हैं और रिव्यू करते हैं. गाइस अगर हमारे प्रोफेशन की बात करें तो अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, मेरी PhD चल रही है. और अगर मेरी बात करें तो मेरे हाथों में इंडिया का फ्यूचर. बाय प्रोफेशन मैं भी टीचिंग ही करती हूँ, आई एम अ टीचर इन अ स्कूल. और मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ, तो मुझे है ना काफी अच्छा मजा आ जाता है कि यूट्यूब भी है ना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो हम लोगों का है ना काफी अच्छा खासा है ना बन जाता है आइडिया कि यूट्यूब को हमें आगे और भी मतलब अदर देन है ना हम ये चैनल के अलावा भी काफी कुछ प्लान कर रहे हैं, वो आपके Q&A के एंड में आपको पता चलेगा. और तो इसलिए आप ये Q&A तो है ना एंड तक जरूर देखना. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जॉन्टी कॉल का, उनका क्वेश्चन है, मेरा ये सवाल है कि आप सब एक दूसरे में ऐसी कौन सी आदत है जो आपको पसंद है और एक ऐसी आदत जो आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं. गाइस ये तो हमने सोचा नहीं है, आप सोच के बोलना पड़ेगा. सबसे पहला मनी भाई, मेरे को तो अगर काजल में सिद्धार्थ में दोनों टाइम के पंचुअल बहुत ही ज्यादा है, जैसा आप समझ पा रहे हैं आप हमारी वीडियो को देखते हो, दोनों बहुत पंचुअल और हमारी वीडियो है ना बहुत टाइम पे आती है. जैसे कि हमने है ना Q&A प्लान किया था 10,000 सब्सक्राइबर्स से और फाइनली 22,000 सब्सक्राइबर हो गया, तो हमारा Q&A डबल है पंक्चुअलिटी में. ये बुराई अच्छाई भी, बुराई अच्छाई, आई एम वेटिंग फॉर दैट. नहीं अच्छाई में दोनों साथ हैं, लॉयल हैं और जब भी जरूरत होती है हमेशा साथ रहते हैं. हाँ मतलब हम हम्बल है. ओके अब मैं बता देती हूँ दोनों की बुराइयां और अच्छाइयां. नहीं मैं सुन नहीं पाऊंगा. पहले बुराई दोस्तों अगर इन दोनों की बुराइयों की बात करूं तो तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे पापा भोसड़ी वाले, तुम्हारे दादा भोसड़ी वाले, मनीष अगर इतना आर्ग्यू करता है ना, अगर ये कहीं रुक जाए ना तो उसका दिमाग वहीं पर रुक जाता है, फिर ये दूसरों का विजन नहीं देख पाता है. और अगर सिद्धार्थ की बात करें जेन्युइनली तो ये थोड़ा स्लो है, हर काम बहुत आराम आराम से करता है, आप खड़े खड़े तक जाओगे. आई वांट पीस, हमें पीस सीखे थे, ये स्लो है. और मेरी बुराई मैं बताती हूँ. अपनी बुराई सिद्धार्थ बताया. अच्छा मेरी बुराई तुम दोनों बता दो. अच्छा अच्छाई भी बता देती हूँ ना. अच्छाई भी है. मनीष का ये अटकने वाले में एक फायदा भी होता है कि हमारा काम रैपिडली हो जाता है. ये बहुत हेल्पफुल है, जेन्युइनली आई एम टेलिंग, ये बहुत हेल्पफुल है फॉर द पीपल्स. ये कई बार काम पे नहीं आ पाता क्योंकि लोग ही हेल्प ही करता रहता है रोड पे. रोड पे अबे यार अबे बहुत बार ये किसी को ड्रॉप कर रहे हैं, किसी की बाइक पे धक्का लगा रहे हैं,
और रही बात सिद्धार्थ की, तुम सिद्धार्थ को कभी भी कॉल करो, ही इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। और ये बहुत केयरिंग है, ये बहुत केयरिंग है, काम के लिए बहुत जेंटल है। बोले भाई ये काम होना तो हमारा है। मैंने बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दोनों को, मैं तृप्त हो गया। ओके, अब तुम दोनों मेरी बुराई खुल के कर सकते हैं। दोस्तों मुझे जो इन दोनों की चीज पसंद नहीं है, मनीष की एक चीज है कि वो थोड़ा जो चीजें मैनेज करने पे है ना, वो मतलब सोचता कोई चीज नई अगर देख ली ना तो वो सोचता हम ये कर लेंगे, लेकिन उसके पीछे जो प्लान लेना है वो एक परफेक्ट नहीं हो पाता कई बार। तो मुझे लगता है यार हवाबाजी वाली बातें है ना, ये ज्यादा कर देता कई बार, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी में रहता है ना, हाँ बस करनी है। हाँ वो चीज थोड़ी सही भी है। और काजल की जो बुराई, काजल है ना अपने हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है, तो कई बार हमारी चीजें शेड्यूल है ना उस चीज में बिगड़ जाती है, क्योंकि काजल हर बार है ना हर किसी के काम में इन्वॉल्व रहती है, सबको टाइम इसे देना है, ठीक है, तो ये कभी फ्री नहीं रह पाती है, और हर बार ये है ना थोड़ा इसको हेल्थ इशू हो जाता है। इसी कारण आप लोगों ने देखा होगा सिद्धार्थ और मुझे अकेले रिएक्शन देना पड़ता है कभी कभी। और अच्छी बात ये है कि है ना, हाँ ये मनीष की है कि है ना जितना भी हमारे चैनल पे काम हो जाता है ना जल्दी जल्दी, तो मनीष की वजह से होता है, ये बहुत काम करता है, होती नहीं आ गया भाई करना है। मतलब मैं तो बहुत लेजी सा हूँ, मुझे ना ये होता है हो जाएगा आराम से हो जाएगा, हम दोनों ऐसे हैं। और काजल का ये है, काजल का भी है ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ में है ना कोई लड़की नहीं देखी जो है ना हर चीज के लिए रेडी है यार। हमें है ना पब्लिक रिएक्शन भी देना होता था, काजल ऑलवेज रेडी, हम दोनों हो रही है राइट। हाँ धूप हो रही है यार, इतनी गंदी मतलब लड़कियों के काफी है ना कई बार नखरे होते हैं, लेकिन काजल में कभी ऐसा कुछ इशू है ना मिला ही नहीं, और हमारा चैनल काफी स्मूथ करा है, कोई भी वीडियो से लेकर पब्लिक रिएक्शन था या ये भी जो हम रिएक्शन वीडियोस करते हैं, तो ये चीज अच्छी है। और जॉन्डी बॉल भी है ना, एक और क्वेश्चन है उन्होंने पूछा है कि है ना आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस सिंगर यूट्यूबर टीवी सीरियल और वेब सीरीज कौन सी है, मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। हाँ तो इन्होंने पूरा क्वेश्चन की बाढ़ आ रखी है, तो हम जल्दी जल्दी पूछते हैं। सबसे पहले फेवरेट एक्टर मनीष, ऋतिक रोशन, आयुष्मान खुराना और रणवीर सिंह। मेरा क्रिस इवेंस जो कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले कर रहा था। ओह माय गॉड। अच्छा फेवरेट एक्ट्रेस, मेरी दीपिका पादुकोण। मेरी भी दीपिका पादुकोण। भाई भले ही माल फूका नहीं फूका ये पता नहीं, बट हमारी फेवरेट है। यो चरस गंगा मेरे को प्यारा, चरस गंगा मेरे को प्यारा। अच्छा उसके बाद फेवरेट सिंगर, अरिजीत सिंह, ए आर रहमान। मेरा भी अरिजीत सिंह, भाई वो दर्द वाले थोड़े गा लेता है ना, और लोग को पता है दर्द हो रहा है। और फिर टीवी सीरियल तो पता नहीं, सिंचन ही पसंद था पहले, बट अभी कहा जाए तो बिग बॉस, मैं तो घुस के देखता हूँ। टीवी सीरियल है मेरा भी नहीं है। अनटोटली अच्छा लास्ट है वेब सीरीज मेरा अगर अभी तक का देखे तो मनी हाइस्ट। मेरा भी फाइनल वोट जाएगा मनी हाइस्ट को, बिकॉज उससे अमेजिंग सीरीज अभी तक मैंने नहीं देखी। मुझे ब्रेकिंग बैड बहुत पसंद आई थी, और करेंटली अगर देखे तो मनी हाइस्ट, और उसके बाद अभी आने वाला है मिर्ज़ापुर। इंडियन वेब सीरीज में मिर्ज़ापुर। और जॉर्डी कॉल का जो ये लास्ट क्वेश्चन हुआ, टाइम पास के लिए आप क्या करते हो, लाइक ट्रैवलिंग, फूड, सिंगिंग, लिसनिंग म्यूजिक, आई मीन हॉबी क्या है? अरे यार जब से लॉकडाउन में इतना ज्यादा बाहर और वो, और इतने भी हम आर्टिस्ट लोग नहीं है सिंगिंग और ये सब करे, ठीक है, तो हम लोग आजकल सीओडी खेल रहे हैं यार, पबजी जब से बैन हुआ है ना सीओडी खेलने में लगे, और काजल को भी सिखा दिया है यार। अकॉर्डिंग टू टाइम देखे ना, हॉबी बदलती रहती, पहले हॉबी कुछ थी, अब की जो हॉबी है वो तो सीओडी हो गई है। और इससे पहले मतलब मुझे थोड़ा बुक्स रीडिंग का शौक है, और नेक्स्ट ये भी कह सकते हो कि मैं गाने बहुत सुनती हूँ, मतलब अगर मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए बस अपने रूम में छोड़ दो, गाने दे दो बस। आई थिंक गाने दे यार सभी का है यार। और काजल हम दोनों के चक्कर में सीओडी खेलने लगी हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, और बहुत मजा आता है। तो दोस्तों जानवी राजपूत हमसे पूछती है कि हमने जो वीडियो पे रिएक्शन दिया है उनमें से हमारी फेवरेट वीडियो कौन है, कौन सी है? तो जानवी मेरी है R2H की डम ब्लाइंड डेफ, बिकॉज मैं बिल्कुल डेफ डम ब्लाइंड हो गई थी व्हाइल वाचिंग दैट वीडियो, मैं हंस हंस के पागल हो गई थी। हाँ मतलब जो उनकी वो सीरीज थी वो हमें सीरियसली बहुत पसंद थी, बट अगर मेरी फेवरेट बोला जाए रिएक्शन के लिए तो एक
फीलिंग सॉन्ग था जिसने हमारा दम निकाल दिया था सीरियसली। जी हाँ, सुमित गोस्वामी का वो गाना था, हरियाणवी सिंगर है वो, और उनका ना काफी ज्यादा लोगों ने बोला था फीलिंग्स पे रिएक्शन दो रिएक्शन दो, और एक्चुअल में हुआ था कि है ना वो गाना काफी इमोशनल था, और पता नहीं कुछ ऐसी चीज हो गई थी जिसकी वजह से हमें एक सीन पे हंसी आ रही थी सीरियसली, वो सीन रोने का था। 30 सेकंड का या 1 मिनट का गाना बचा हुआ था और वो हमने शूट करने में कम से कम आधा घंटा लग गया था यार रिकॉर्ड करने में, और वो मतलब इन दोनों ने बीच में मेरी जान निकाल दी थी, कभी इसको हंसी आ जाती थी कभी इसको, और एक वक्त ऐसा आ गया था वीडियो को शूट करते हुए कि I was just about to leave, कि अब मैं नहीं कर सकती। मेरे तो उस टाइम मेरा पेट में दर्द हो गया था, आंसू निकल रहे थे हंस हंस के, और वो ऐसा रिएक्शन हुआ ना फाइनली वो ब्लॉक हो गई वीडियो, और फाइनली अब जाके वो ब्लॉक से हट गया, मतलब ये Q&A था कहना वो वीडियो हम डालते हैं। तो गाइस जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो अभी पूछा है जिग्नेश ने, बोले आप तीन लोग फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर। जी हाँ, मतलब काफी कमेंट्स भी आते हैं कि है ना इन दोनों की सदनिधि भाई बहन है या इन दोनों या तीनों, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि आप तीनों ट्विंस हो क्या। हाँ, तो मतलब हमारे रिलेशन कर देते हैं, कई हमें भाई बहन बना देते हैं, तो आज हम सबको बताते हैं कि है ना एक्चुअली मनीष और मैं स्कूल टाइम फ्रेंड है, और 11th से हम एक साथ थे तब से जानते हैं, और उससे पहले से है ना काजल के साथ मनीष स्कूल टाइम फ्रेंड है हमारे जो सब्सक्राइबर है ना लगता है क्योंकि ये लोग है ना काफी इंटरेक्ट करते हैं, आप लोग हमें काफी चीजें बताते भी है की किसमें वीडियो पे रिएक्शन करना है और हमारा रिएक्शन कैसा था, तो ये चीजें। और जो आप लोगों का कमेंट आता है सीरियसली हम एक एक कमेंट को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट के रिप्लाई करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत सारा आया था कि आप तीनों का फेवरेट यूट्यूबर कौन है, तो सिद्धार्थ कौन है। अच्छा, तो दोस्तों इस चीज के लिए ना जो यूट्यूबर्स हमें पसंद है वो सबसे पहले हम आपने देखी होगा R2S की, हम बहुत वीडियोस करते हैं, तो R2S हमें पसंद है, कैरी मिनाडी भी पसंद है, बीबी की वाइंस भी पसंद है, हर्ष पेनीवाल भी पसंद है, लेकिन मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है हर्ष पेनीवाल। पापा बेकार का कोचिंग है वो यार, कुछ समझ ही नहीं आता, घुसता ही नहीं है कुछ। और नहीं घुसता तो थूक लगा लेना। मेरा मुंह सा निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहे? सेम आई गो विद हर्ष पेनीवाल। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो R2S को मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप R2S की वीडियो पे रिएक्शन दो, जब मैंने देखी इनकी स्क्रिप्ट और जिस हिसाब से प्लान करते हैं और जिस तरीके से प्लान करते हैं, तो मेरे लिए R2S है। अनलॉक टिकटॉक को एक एक गाली बकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस घर में असली भूत भी है ना तो भूत का फाड़ दूंगा मैं खोपड़ा। और टिकटॉक की माँ का मतलब उनकी स्क्रिप्ट भी कमाल की रहती है और जो पंचेस रहते हैं वो भी कमाल के रहते हैं। और जैन ऑल टाइम फेवरेट। और मतलब वो एक छोटी से सिटी में रह के उसके बाद इतनी अच्छी वीडियो डिलीवर करना वो मेरे लिए बहुत अच्छा। मतलब इनकी स्क्रिप्ट्स होती हैं एक एक, और मतलब ये भी नहीं कि यार ये है ना हर वीक हर वक्त कुछ ना कुछ ना डाल रहे हैं और बेकार लग रहा है, ये बहुत अच्छे से प्लान करते हैं, महीने दो महीने में इनकी एक वीडियो आती है लेकिन एंटरटेनिंग होती है। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है RJ गेमिंग का, वो कहते हैं कि अगर आपके 100K हो जाएंगे तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। आई थिंक कुछ ऐसा होगा, कहानी है जो सबको सुनानी है, टिकटॉक रॉकी गांड जलानी है। यार पता क्या होता है कि जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हुए थे तो हमारी एक्साइटमेंट थी यार 1000 सब्सक्राइबर हो गए, फिर 5000 हो गए, फिर 10000 हो गए भाई, मतलब वो बस हम ऐसा हो गया कि अच्छा भाई 20000 होने वाला है, ओ हो गए हो गए, 25 होने वाले भाई आज 25 हो गए, लगा 1,00,000 में भी कुछ ऐसा ही होगा भाई, 1,00,000 हो गए और फिर हम आराम से बैठेंगे, लेकिन 1,00,000 में जो प्ले बटन मिलेगा यूट्यूब से तो उसकी खुशी अलग होगी, वो अलग होगी और वो हम पीछे लगा देंगे आपके साथ, आपको दिखता रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आतिफ खान का, वो कहते हैं आपकी बहुत सारी वीडियो है लेकिन आपके स्पेशल वीडियो मतलब बहुत ज्यादा वीडियो R2H पर है, इसका कोई खास रीजन? तो मैं आतिफ ये कहना चाहूंगी R2H की वजह से हम है, हमारे फैंस है इसका रीजन, बिकॉज हमारे फैन ही सारे R2H के, उन्हें R2H ही होता है तो हम R2H ले आते हैं। जी हाँ, हमारे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है ना R2H के हैं और हमें व्यूज भी है ना सबसे ज्यादा, मतलब यूट्यूबर्स के लिए ये होता है कि है ना उसे व्यू कितने मिल रहे हैं किसी वीडियो पे, तो हमें है ना बहुत ज्यादा कमेंट्स भी आते हैं R2H की वीडियो करने के लिए और सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, तो हमें अच्छा भी लगता है कि यार ये लोग इतने एक्टिव है और R2H की जब कोई नई वीडियो आने लगती है तो एक एक दो दो दिन पहले से बताते हैं हमें,
तो एक्टिवली सबसे ज्यादा हमारे साथ R2S के फैंस रहते हैं। तो जो मैंने नोटिस किया है ना, तो वो नोटिस किया जितना R2S के फैन R2S से प्यार करते हैं ना, सेम हमसे भी करते हैं। वो बहुत बताते हैं कि सर जल्दी वीडियो आ रही है, आप लोग जरूर रिएक्शन देना, हम जरूर आपका रिएक्शन देंगे। और मतलब वो इतने ज्यादा हमें रिस्पॉन्ड करते हैं और मतलब कॉन्टिन्यूस DM करते रहते हैं, ये मैम आप, और हमारा अगर हम किसी वीडियो में मतलब हेल्दी नहीं लगते ना, स्टिल दे आस्क कि आप ठीक नहीं हो, क्या हो गया है एंड ऑल दैट, आप हंस नहीं रहे थे। तो मतलब गाइस वो इतने ज्यादा इनटू है हमें, तो इसलिए हम भी उनमें बहुत ज्यादा इनटू है। ज्यादा बात से यार काफी लोग हैं जो है ना इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्ट है और काफी है ना वो हमें है ना चीजें अपडेट देते हैं, तो R2S का ये अलग ही व्यू है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर RJ गेमिंग का, जब आप यूट्यूब पे आए तो आपके दिमाग में कैसे आया रिएक्शन देने की बात, और आपके इंस्पिरेशन कौन है बताओ बिना किसी बकचोदी के, भाई और बहन? क्या बात है, क्या तो दोस्तों हमने सबसे पहले है ना पब्लिक रिएक्शन स्टार्ट करा था, तो हम लोगों ने एक पाकिस्तानी चैनल था सना अमजद का, तो हमने है ना देखे थे सना अमजद काफी इंडियन टॉपिक उठा के क्वेश्चंस करती थी, पब्लिक रिएक्शंस करती थी और उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता था। तो हमने सोचा यार जब है ना ये इंडियन ऑडियंस वहां पे जा रही है तो हम अपनी इंडियन ऑडियंस से क्यों पब्लिक रिएक्शन नहीं कर। तो दोस्तों इसका रीजन ये था कि हम चाहते थे कि इंडियन के व्यूज जनरली सबको पता चले और वो जाने कि इंडिया का यूथ बेसिकली क्या सोचता है इंडिया के बारे में, और जो भी इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल चीजें हो रही है, जो भी मतलब ट्रेंड में चल रहा है, तो एटलीस्ट यूथ के व्यूज बहुत मैटर करता है। तो हमारा बस यही मोटिव था कि हम यूथ के व्यूज को आप सबके सामने लेके आए। पहले तो हम पब्लिक रिएक्शन ही कर रहे थे, उसके बाद हमने सोचा कि लोगों के व्यूज जा रहे हैं, क्यों नहीं कि हमारे भी व्यूज जाने चाहिए, इसलिए हमने रिएक्शन स्टार्ट। दोस्तों क्वेश्चन है ग्रेट आइडिया MLM का, वो हमसे पूछते हैं कि कई बार जब आप वीडियो रिएक्शंस देते हो तो उसमें गालियां आ जाती है या कुछ गंदा आ जाता है तो आपको ऑकवर्ड नहीं फील होता? गाइस ये डिपेंड करता है वीडियो कैसी है, कई बार होता है ना हम भी फ्लो फ्लो में जब हो रहा होता तो हम भी वीडियो को एंजॉय करते हैं, बट कई बार लगता है कि जब जबरदस्ती हो रही है तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। जैसे हम कैरी नाड़ी की काफी वीडियो देते हैं तो है ना काफी जगह एक फ्लो बन रहा होता है, वो एंटरटेनिंग लग रही होती है वो चीज, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यार जबरदस्ती है ना घुसाई जा रही है। कुछ वीडियोस हमने देखी है और कई बार हमने ऐसी वीडियोस भी देखी है कि है ना रिएक्ट नहीं करा, पता नहीं कौन कौन से यूट्यूबर्स थे, क्योंकि हमारे पे सजेशंस आती थी, हम बैठ जाते थे रिकॉर्ड भी कर दी, लेकिन उनका कंटेंट ही गाली व्यूज होता था तो हमने उन पे कभी फिर बाद में रिएक्ट ही नहीं करा। कई बार ऐसी वीडियो भी आई है कि हमने आधा रिएक्शन दे दिया, पूरा शूट हो चुका है और हमने उसे जस्टिफाई नहीं किया, मतलब अवॉइड कर दिया। ओके वो जब लगता है हमें ये चीज नहीं जानी चाहिए तो हम इसे बीप करते हैं या कट करते हैं। हाँ। बस इंटरटेनिंग जब हमें लगता है ना तब हम ना डाल देते हैं कि हाँ भाई ये फ्लो में है वीडियो के, तो आप लोग भी एंजॉय करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अली भाई का, वो पूछते हैं कि मैम अगर आपको R2H वाले वीडियो में लेंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हमारा रिएक्शन होगा ये सिर्फ मैम के लिए है ना, तो भाई R2S वाले कोई लड़की को तो लेते नहीं है, और अगर सबको लेंगे तो भी लड़की को नहीं लेंगे, वो अपना वो तो रखेंगे और बाकी वही तो मेरा रिएक्शन होगा। पर भाई उस वीडियो में ना बसंती मैं बनूंगा ना ही बसंता बनेगा, सीरियसली बसंती चाहिए तो ले जाओ पर बसंता हाजिर नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है माइंडेड HK का, वो कहते हैं कि आप तीनों में से वीडियो एडिटिंग कौन करता है, रिप्लाई जरूर देना। झूठ है झूठ है। वीडियो यही सारी एडिट करती है, तो गौर से देखिए इस लड़की को। यही है जो भी आप मतलब बकवास सी एडिटिंग मिलती है आपको, ऐसी मतलब गंदी सी क्वालिटी मिलती है। फोन भी इसी का है। इसी ने गला पकड़ पकड़ के बैठाती है हमें यहाँ पे, काम करवाती है। अरे तुम वीडियो बनाओ, एडिटिंग मैं करूंगी, कैमरा मैन। क्या तुम्हें इनोसेंट से शक्ल ऐसे लगती है? इस सारी खुराबात के पीछे इस मासूम सी शक्ल का हाथ है। तो आपको कैसे एडिटिंग लगती है पहले वो कमेंट करके जरूर बताओ। हाँ उसके बाद ये फिर मेरे से आप क्रेडिट ले लेंगे। अगर अच्छी होगी तो हम सच्चाई बता देंगे और बुरी है तो काजल। अब कोई बुरी बोलेगा ही नहीं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है SKG का, उनका कहना है क्या आपका पहले से प्लान था यूट्यूब स्टार्ट करने का? हाँ बचपन से, जब पैदा हुआ मैं मेरी माँ ने बोला मेरा बेटा यूट्यूबर बनेगा। भाई मतलब मजा ही आ रहा है ना कि इंडिया में है ना बच्चों के पेरेंट्स बोले मेरा बच्चा यूट्यूबर बनेगा, तो ये प्लान हमारा बस ऐसे ही मजे मजे में बन गया। और अगर यूट्यूब के प्लान की बात है तो है ना हमारा जो ये रिएक्शन चैनल था इससे अलग भी है ना, अब हम सोच रहे हैं क्योंकि काफी कमेंट्स आ रहे थे, उन्होंने बोला था कि है ना आप कुछ अलग प्लान करो अपना काम, कुछ है ना कुछ आइडियाज से लेकर ये सारी चीजें,
तो हमने सोचा कि है ना ब्लॉगिंग में है ना हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पब्लिक रिएक्शन भी करा था, तो है ना ब्लॉगिंग हम चैनल स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अब जो हम एक नया चैनल स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्नैक ब्लॉग्स, एस फॉर सिद्धार्थ, एम फॉर मनीष एंड के फॉर काजल। तो ये ब्लॉगिंग चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ब्लॉग का नाम पता चल गया है। इसके अलावा हमारी एक कंडीशन है कि हम उसमें वीडियो डालेंगे, फटाफट खूब सारी वीडियो डालेंगे अपनी मस्ती की भी अपनी ब्लॉगिंग की भी, बट उससे पहले आप हमारे लिए क्या करेंगे कि आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको लिंक पे क्लिक करना है, चैनल हमारा सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। जितनी जल्दी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर होंगे उतनी जल्दी हम वीडियो डालेंगे। जी हाँ, यहाँ ऑलमोस्ट है ना 25K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आई होप कि है ना अच्छा खासा है ना सब्सक्राइबर बेस बनेगा उस चैनल पे। और जो हमारी पहली वीडियो होगी उससे पहले ही है ना हमें करीब करीब देखते हैं 500,000 जितने भी सब्सक्राइबर हो पाएंगे तो वो हम आपको जरूर पोस्ट करके बताएंगे। तो मेक श्योर कि है ना आप लोग सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट भी करें आप लोगों ने सब्सक्राइब करा उस चैनल पे या नहीं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। भाई सब्सक्राइब कर ही देना, वैसे जो भी जितने भी फैंस है ना, तो अब दिखाओ अपना लव। जी हाँ, और अगर हो सके तो अपने रिलेटिव्स में भी शेयर करो, जल्दी वीडियो आएगी एंड आई एम डैम श्योर कि वो आपको मजे आएगी। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हिट बटन को भी जरूर प्रेस करने से आपको वीडियो को भी पता चल सके, नोटिफिकेशन मिलती है। और आप लोगों ने हमें जरूर बताना कि उसमें जो वीडियो है ब्लॉग्स है कैसे आ रहे हैं और हम उसमें क्या इम्प्रूवमेंट, वो भी हम करेंगे, क्योंकि ट्रेंड मिनाडी में भी हमें आपका सपोर्ट काफी मिला था, तो उस चैनल में भी हम आपका वही सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सबसे कि हमें वही सपोर्ट मिलेगा। और वी आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, तो फटाफट से अब रिस्पॉन्स करना शुरू करो दोस्तों। तो गाइज ये Q&A हम यही खत्म करते हैं, जो बाकी कुछ क्वेश्चंस रह गए उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, हम जरूर नेक्स्ट Q&A में कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट Q&A पता नहीं कब आए, जब भी काफी टाइम बाद भी आ सकता है, तो अगर आपको है ना हमारे से कोई भी आंसर चाहिए आप कमेंट जरूर पूछिए हमें ना, और हम आंसर करेंगे, नो प्रॉब्लम यार। अगर जो कुछ क्वेश्चन भी रह गए ना वो हम ब्लॉग में बताएंगे यार आप लोगों को। जी हाँ, ब्लॉग में बता देंगे। और क्या, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर ब्लॉग चैनल। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक ट्रेंड मिनाटी को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब ट्रेंड मिनाटी। एंड साथ ही साथ आपको एक और काम करना है, आपको स्मैक व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको हमारा करने पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।